नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम अपने रिपोर्टर से जानने की कोशिश करते हैं उनके विधानसभा का हाल। इसी कड़ी में आज हम देहरादून और ऋषिकेश की बात करेंगे, जहां पर चुनावी माहौल कैसा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून से लगातार हर एक खबर हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, वहां पर जनता की राय क्या है ये भी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज सीधे देहरादून आपको लेकर चलेंगे, जहां पर मेरी सहयोगी निशी भाटिया मेरे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल किस तरह का चुनावी माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि समय अब बेहद कम बचा है और इस कम समय में जनता का रुख किस तरफ है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम ऋषिकेश भी जाएंगे, ऋषिकेश से मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके विधानसभा के कितने हालात सही हैं और कितने खराब हैं, कितनी सुविधाएं आम जनता तक पहुंच रही है, कितना विकास ऋषिकेश और देहरादून का हुआ है और कितना नहीं हुआ है। उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगी, तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, शहरी इलाकों की मैं बात करूं तो शहरी इलाकों में कुछ हद तक विकास हुआ है, लेकिन सड़कें फिर भी टूटी फूटी नजर आती हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आम जनता ये चाहती है कि उनके क्षेत्र का भरपूर तरीके से विकास हो, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आती है। देहरादून का हम सबसे पहले रुख करेंगे। देहरादून से मेरी सहयोगी निशी भाटिया मेरे साथ बनी हुई है। निशी, सबसे पहले देहरादून में फिलहाल चुनावी माहौल कैसा है ये बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्माया हुआ है। 14 फरवरी को लेकर जो सियासत का माहौल है वो काफी ज्यादा गर्माया हुआ है। लगातार लोगों से बातचीत करके ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में इस बार उत्तराखंड में बेहद जोरों की टक्कर होने वाली है। देहरादून में राजधानी का माहौल भी बहुत ज्यादा गर्माया हुआ है। लोगों में अभी भी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस में लगातार जोरों की टक्कर देखने को मिल रही है और लगातार कई क्षेत्रों में कांग्रेस का परचम लहराने की संभावना है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने कदम पीछे नहीं रखे, लगातार वर्चुअल माध्यम से वहां पर भी जंग जारी है। जनता क्या सोच रही है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी रहती हैं, जनता के बीच पहुंचती हैं और कई बार आपने बहुत सारी ऐसी खबरें ब्रेक करी है जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि देहरादून में कांटे की टक्कर है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर राजधानी में माहौल जो इस वक्त बना हुआ है जनता के बीच पहुंचकर, ये बात का नतीजा तो सामने आया ही है कि बीजेपी इस वक्त 4 कदम आगे है, तो कांग्रेस ने भी अपने जोरों से काम करने के लिए कभी भी अपना हाथ पीछे नहीं करा और लगातार लोगों के बीच जाके वो वर्चुअल माध्यम से हो चाहे जितनी भी संभवता के साथ वो लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को लुभाने की और साथ ही साथ जो उन्होंने मैनिफेस्टो में अपने चीजों को डाला है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक मूल्य सुविधा के रूप में सामने आया है। तो जनता कहीं ना कहीं बीजेपी के विकास कार्य और कांग्रेस की नीतियों पर इस बार विचारधारा के साथ मतदान की बिल्कुल निशी। और कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सड़कें बनी तो हुई हैं लेकिन हर जगह से टूटी हुई हैं। ऐसे में क्या हम समझे कि देहरादून में भी उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था? जी, लोगों से बातचीत करके तो यही सामने आता है कि बीजेपी ने बड़े बड़े वादे तो किए लेकिन कहीं ना कहीं जो धरातल पर काम होना चाहिए था, राजधानी में स्मार्ट सिटी का काम जो होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं अभी भी फीका देखने को मिल रहा है। बाजारों की हालत जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और जो बारिश के मौसम में जो पानी जो है वो दुकानों के अंदर तक आ जाता है, जो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की तस्वीरें और स्मार्ट सिटी के पोल खोल रहा है। तो बीजेपी सरकार पर कई तमाम सवाल जो है, वहां के व्यापारी और तमाम जो वहाँ के रोजमर्रा के लोग जो दिनचर्या अपनी उस रास्ते से काटते हैं, तो उन लोगों में काफी ज्यादा निराशा देखने को मिली है बीजेपी को लेकर। और तमाम जो विकास कार्य की बात बीजेपी ने करी है और आगामी चुनाव के बाद भी जो विकास कार्य मुद्दों को लेकर बीजेपी सबसे आगे आने की बात कर रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं काफी हद तक जनता जो है उन पर भरोसा कर रही है। तो दूसरी तरफ विकास कार्य मुद्दों की जो बात पिछड़े हुए इलाकों में या फिर कई राजधानी के कोनों कोनों में जो देखने को मिल रहा है, उसके अलावा भी कई जनता जो है वो बीजेपी से नाराज दिख रही है। बिल्कुल निशी, अगर देहरादून की हम बात करें तो हर एक वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है। देहरादून जैसा कि राजधानी है और उसके बावजूद यहाँ पर विकास कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूटा है। जो वादे दावे किए गए थे, जैसा कि आप बता रही हैं कि जनता के बीच जब आप जाती हैं तो जनता यही कहती है कि जो वादे किए गए थे वो भरपूर तरीके से नहीं निभाए गए हैं, लेकिन कुछ तो काम हुआ होगा। ऐसा कौन सा काम हुआ है जिससे जनता खुश है?
जी, जैसे कि स्मार्ट सिटी की बात मैंने आपको लगातार करी है कि स्मार्ट सिटी को लेकर जो फ्लाईओवर्स का काम किया गया था और जो यहाँ से आपको बता दें कि देहरादून से दिल्ली के लिए जो फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है उसको लेकर जनता काफी ज्यादा खुश है कि उनका रास्ता जो है वो एक आसान होने वाला है। इसके अलावा भी कई कई जो सड़कें हैं उन पर भी जो बीजेपी ने काम किया उसको लेकर भी काफी ज्यादा सुविधाएं लोगों को हुई है कि जो पहले काफी समय लगता था लोगों को पहुंचने में अब कम समय लग रहा है। सड़कें फ्लाईओवर्स को लेकर जनता काफी ज्यादा खुश है और वो उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद बीजेपी सरकार अगर अब सत्ता में आती है तो और विकास कार्य होंगे और शायद प्रदेश की दशा जो है पूरी तरह से बदल सकती है। बिल्कुल निशी, इसके अलावा देखिए आप बीजेपी का जिक्र कर रही हैं, कांग्रेस का जिक्र कर रही हैं कि बीजेपी 4 कदम आगे है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी का किस तरह का यहाँ पर असर देखने के लिए मिलता है? कोई असर है जो प्रलोभन आम आदमी पार्टी लगातार दे रही है उत्तराखंड में? जी, आम आदमी पार्टी ने जो 6 बड़ी गारंटी के साथ प्रदेश में बिगुल फूका है तो उसका सीधा सीधा असर आम जनता पर भी पहुंचा है। वो तीसरा मौका देने को तैयार भी है हमारी जो उत्तराखंड की जनता है, पर लगातार अगर तमाम विधानसभा का कूच करा, हमने जो तमाम लोगों से बातचीत करी तो अगर बीजेपी के आंकड़ों की बात की जाए तो 60% बीजेपी आगे चल रही है, तो 30% कांग्रेस आगे है, तो बाकी जो कुछ लोग बचते हैं तो वो आम आदमी पार्टी को तीसरा मौका देने को तैयार है क्योंकि वो दिल्ली के मॉडल को लेकर उत्तराखंड में भी वही चीजों की सुविधा। लेकिन उत्तराखंड वासी निश्चय कहते हैं कि दिल्ली के मॉडल पर आप उत्तराखंड में विकास नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली में और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अंतर है। देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र नहीं है, पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, आधा मैदानी क्षेत्र है आधा पहाड़ी क्षेत्र है, आधे में धूप खिली रहती है तो आधे में बर्फबारी होती है, ऐसे में विकास बहुत मुश्किल है। जी, तो वही यही साफ यहाँ पर जनता का भी है कि दिल्ली मॉडल पर काम नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल को लेकर ही उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में चीजें डाली हैं कि है। बस में महिलाओं को फ्री सुविधा दी जाएगी और तमाम बड़ी बड़ी बातें जो है कांग्रेस पार्टी ने भी करी है। तो लेकिन बीजेपी कांग्रेस पर जो है उत्तराखंड की जनता ज्यादा भरोसा कर रही है और बल्कि आम आदमी पार्टी जो उभरता हुआ मौका है उस पर भी जनता। बिल्कुल निशी, मैं वापस लौटूंगी निशी, आप मेरे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां हम रुकेंगे, उसके बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। देहरादून से मेरी सहयोगी निशी भाटिया लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, जो देहरादून में चुनावी बयार किस तरह बह रही है ये बताने की कोशिश कर रही है। निशी, एक बार फिर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि देहरादून में मुख्य समस्याएं क्या है, यहाँ का युवा क्या चाह रहा है इस बार, बदलाव की स्थिति या कुछ और? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि देहरादून में और उत्तराखंड प्रदेश में जो इस बार चुनावी मुद्दा होने वाला है वो बेरोजगारी और कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर होने वाला है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का दर बढ़ रहा है, सिलेंडर के दाम 1000 पार हो चुके हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो काफी ज्यादा परेशान है। कोविड के बाद जिस तरीके से लोगों की आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी थी तो उसके बाद महंगाई का जो बोझ है वो जनता को कहीं ना कहीं एकदम परेशान कर रहा है, तो उसको लेकर महंगाई एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है क्योंकि हर एक युवा जो है वो एक रोजगार की मांग कर रहा है। हमारे जो युवा मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनसे लगातार रोजगार की मांग की जा रही है। युवा लगातार धरना प्रदर्शन कर गांधी पार्क के बाहर बैठकर अपनी समस्याओं का एक प्रदर्शन के थ्रू या फिर एक धरना प्रदर्शन के थ्रू लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो समस्या जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके बाद विकास कार्य मुद्दों को लेकर भी जनता अपनी आवाज लगातार उठा रही है, महिलाओं के लिए भी सुविधाओं की मांग कर रही। जी, इसके अलावा निशी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही पिछले सप्ताह आम बजट जो है वो देश का सामने आया। इस बजट को लेकर देहरादून में क्या कोई खुशी का माहौल है या बजट से आम जनता खुश नहीं है? व्यापारी वर्ग क्या सोच रहा है बजट को लेकर? जी, जैसे कि व्यापारी वर्ग से हमने बातचीत की क्योंकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो कुल जनसंख्या में से उत्तराखंड की जनसंख्या में से 11% जो जनसंख्या है वो व्यापारियों की ही है और 11% जो जनसंख्या है उनका यही मानना है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी बजट आया है उससे व्यापारियों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। जीएसटी पर कोई छूट नहीं है और भी कई तमाम चीजें हैं जो व्यापारी को खटक रही हैं, तो इसको लेकर अभी व्यापारी थोड़े बहुत निराश है, लेकिन फिर भी बीजेपी को पूरा पूरा समर्थन देने के लिए वो वर्ग जो है व्यापारियों का वर्ग वो तैयार है।
तो देखने को मिल सकता है कि अगर वो 11% की जनसंख्या किसी भी पार्टी की ओर अगर बढ़ती है तो उस पार्टी की जीत का कारण भी वो आंकड़ा बन सकता है। बिल्कुल निशीष, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, देहरादून में किस तरह का चुनावी माहौल है ये बताने के लिए। तो जिस तरह से मेरी सहयोगी ने बताया कि देहरादून में बीजेपी 4 कदम आगे है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है, हालांकि आम आदमी का जो पैतरा है वो यहाँ पर टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कल फिर लौटेंगे अलग अलग विधानसभाओं के साथ, फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।